आप सोच रहे होंगे इतना खूबसूरत बकरी कहाँ से आई होगी। भाई जब अगर आप शौकीन हो ना, नस्ल बढ़ाना चाहते हो या इस तरह की नस्ल आप रखना चाहते हो, अबलग या बीतल बकरियाँ लें। प्योर लाल बीतल हो और वाइट बकरा हो, और जब वाइट बकरा क्रॉस करेगा तो जो जब लाल बकरी होगी, नागरा या बीतल लाल होगी, तो उसमें इसकी नस्ल एक्सचेंज हो जाएगी। और जब नस्ल एक्सचेंज होती है फिर डब्बे आते हैं इतने खूबसूरत, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी तारीफ़ की जाए काम में, इतना अल्लाह पाक ने इनको हुस्न दिया है। तो कोशिश करें एक दूसरे इन नस्ल से क्रॉस करवाएं और फिर नस्ल बढ़ाएं, फिर आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा जब नस्ल चेंज ये कराओ। जनाब बिल्कुल हीरा जिसे कहते हैं हीरा, ये बिल्कुल वही चीज़ है और इसकी खूबसूरती अभी आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इतना हुस्न दिया ना, हद से भी ज़्यादा इसको। और इसका फेस आप देखें माशाल्लाह, एक थोड़ा नहीं देखा, ये चीज़ आप चेक करें। इसके कान देखें, नाक और इसकी जिल्द और इसकी सेहत देखें माशाल्लाह। ये बिल्कुल नायाब हीरा जिसे कहते हैं, बिल्कुल सेम हीरा है ये। तो वापस से ये चीज़ देखें। अगर वीडियो हमारी पसंद आई तो लाइक और शेयर और फॉलो करें ताकि आने वाली वीडियो आपको सादर गोट फार्म की तरफ से मिलती रहे। ये बेचनी नहीं है, वैसे आप दोस्तों से शेयर किए जो हमने रखी हुई है और बहुत ही प्यार से पाली हुई है। तकरीबन इसकी एज 6 माह, बिल्कुल तोता फेस में, बिल्कुल ओरिजिनल चीज़। अभी आपको चला फिरा के दिखाते हैं, ये चीज़ आप देखें, छोड़े तले, ये देखें माशाल्लाह।